दिस इज़ अ क्लास थर्ड ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रन आज हम करेंगे चैप्टर 8 अ विकेट क्रेन, मतलब एक शैतान सारस या फिर मकार सारस। वंस देयर लिव्ड अ मैनी फिश इन अ पॉन्ड, एक समय में एक मतलब पॉन्ड था उसमें क्या बहुत सारी फिश रहती थी। अ क्लेवर क्रेन ऑल्सो लिव्ड नियर, और जो चालाक क्रेन था, क्लेवर मतलब चालाक जो क्रेन था वो पॉन्ड के किनारे रहता था। इट वॉन्टेड टू ईट ऑल द फिश, वो सारी फिशेस को खाना चाहता था। अनलकीली इट गॉट नो चांस टू कैच दैम अप, मतलब उसको इस चीज़ का समय नहीं मिल पाया कि वो उनको पकड़ के खा सके। नेक्स्ट ईयर इट वॉज ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा, अगले साल क्या हुआ वहाँ सूखा पड़ा। देयर वॉज नो रेन फॉर होल ईयर, होल ईयर मतलब पूरे साल, वहाँ पर पूरे साल कोई बारिश नहीं पड़ी। द पॉन्ड बिगेन टू ड्राई अप, जो पॉन्ड था वो धीरे धीरे ड्राई अप मतलब सूख गया। एट लास्ट देयर वॉज अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन द पॉन्ड, आखिर में, एट लास्ट मतलब आखिर में वहाँ पर क्या बचा, थोड़ा सा पानी ही बचा। सीइंग दिस, इसको देखकर द क्रेन वेरी हैप्पी, जो क्रेन था वो बहुत खुश हुआ। द क्रेन वेंट टू द पॉन्ड एंड सैट द फिश, क्रेन कहाँ गया, पॉन्ड पर गया जहाँ फिश रहती थी। उसने कहा डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आई एम मच वरीड फॉर यू, मैं तुम्हारे वरीड का मीन्स होता है चिंतित होना, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। द पॉन्ड हैज़ ऑलमोस्ट ड्राइड अप, जो पॉन्ड है वो पूरा सूख चुका है। देयर इज़ नो होप ऑफ रेन, आगे मतलब आशा भी नहीं है कि बारिश पड़ेगी। वैन देयर विल बी अ वाटर यू विल डाई, अब अगर इसमें पानी ख़त्म हो गया तो तुम मर जाओगे। आई नो देयर इज़ अ नो अनदर पॉन्ड, मुझे पता है यहाँ एक दूसरा पॉन्ड भी है। देयर आ लॉट ऑफ वाटर इन इट, उसमें बहुत सारा पानी है। सो प्लीज़ कम विद मी एंड सेव योर सेल्फ, मेरे साथ आओ और अपने आप को बचाओ। द फिश सैड टू द क्रेन, फिश ने क्रेन से कहा आर यू स्पीकिंग ट्रुथ, ट्रुथ मतलब सच, क्या तुम सच बोल रहे हो। इज देयर आर रियली एनी पॉन्ड फुल ऑफ वाटर, क्या यहाँ पर कोई पानी से भरा हुआ तालाब है। विल यू कैरी अस देयर, क्या तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो। द क्रेन वॉज वेरी क्लेवर, जो क्रेन था क्लेवर मीन्स चालाक था। ही सैड, उसने कहा यस यू मस्ट बिलीव मी, बिलीव मतलब विश्वास कर सकते हो मुझ पर। आई शैल टेक वन ऑफ यू देयर, मैं तुम में से एक को वहाँ लेकर जाऊँगा। यू मे सी दैट पॉन्ड योर सेल्फ, तुम अपने आप उसको देख लो। देन यू विल बिलीव मी, उसके बाद आप मुझ पर विश्वास करो। ऑल द फिश अग्रीड, अग्रीड मतलब सहमत होना, सारी फिश थी वो उससे सहमत हो गई। वन ऑफ दैम वेंट विद द क्रेन, उनमें से एक उसके साथ गई। द क्रेन शोड द पॉन्ड टू द फिश, जो क्रेन थी उसने फिश को वो पॉन्ड दिखाया। एंड ब्रॉट इट बैक, वापस उसको लेके आई। दिस फिश टोल्ड द अदर फिश अबाउट अ लवली पॉन्ड, उसने वो जो फिश उनके साथ गई थी उसने उस पॉन्ड के बारे में बाकी फिश को बताया। नाउ ऑल द फिश वॉन्टेड टू गो देयर, अब सारी जो फिशेज थी वो उसके साथ जाना चाहती थी। दे रिक्वेस्टेड द क्रेन टू कैरी दैम टू द पॉन्ड, उन सब ने क्रेन से कहा कि आप हमें वहाँ लेकर जाएं। बट द क्रेन सेड, क्रेन ने कहा आई कैन टेक ओनली वन फिश एट द टाइम, क्रेन ने कहा मैं एक बार में सिर्फ एक फिश को ही ले जा सकता हूँ। सो यू विल यू हैव वेट फॉर योर टर्न, तो तुम्हें अपने बारी की के लिए रुकना पड़ेगा। ऑल द फिश एग्रीड, सारे फिश इस चीज़ से सहमत हो गई। द क्रेन टुक फिश इन इट बीक एंड फ्लू अवे, क्रेन जो थी वो अपने मुँह में चोंच में एक फिश को दबा कर उड़ गई। बट दिस टाइम डिड नॉट टेक द फिश टू द पॉन्ड, इस समय लेकिन वो पॉन्ड के पास उस फिश को लेके नहीं गई। इट सैट ऑन अ स्टोन, वो कहाँ पर जाके बैठ गई, स्टोन पर, अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे एक पत्थर था उस वहाँ जाकर बैठ गई। और एट इट अप, उसने उसको खा लिया। इन दिस वे, इस समय द क्रेन एट ऑल द फिश वन बाय वन, इस समय उसने क्या करा, जो क्रेन था उसने सारी फिश एक एक करके खा ली। द क्रेन वॉज वेरी हैप्पी एंड थॉट, जो क्रेन था वो बहुत खुश था और उसने सोचा हाउ क्लेवर, मैं कितना चालाक हूँ। आई हैव ईटन सो मच फिश, मैंने कितनी सारी फिशेज को खाया। नाउ देयर वॉज नो फिश इन द पॉन्ड, अब क्या था उस पॉन्ड में कोई भी फिश नहीं बची थी।
देयर वॉज ओनली अ क्रैब, वहाँ पर सिर्फ एक केकड़ा बचा था, क्रैब बचा था. द क्रेन सैड द क्रैब, जब क्रेन ने क्रैब को कहा, डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो अदर पॉन्ड, क्या तुम भी दूसरे तालाब जाना चाहते हो. द क्रेब ऑल्सो अग्रीड, जो क्रेब था वो भी एग्रीड हो गया. द क्रेन ओपन इट बीक टू कैच द क्रैब, क्रेन ने जैसे ही अपनी चोंच, बीक मतलब चोंच को खोला क्रैब को पकड़ने, बट क्रैब सेड, क्रैब ने कहा, आई डोंट टेक मी इन योर वीक, तुम अपनी वीक में मुझे लो. आई मे फेल डाउन, मैं गिर जाऊँगा. मी होल्ड ऑन योर नेक, क्या मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ सकता हूँ. द क्रेन अग्रीड, क्रेन ने कहा ठीक है. बोथ द क्रेन एंड रीच द सेम स्टोन, जो क्रेन था और जो क्रैब था वो सारे दोनों एक साथ मिलकर स्टोन पर पहुँचे. रीच देयर द क्रैब, जब वहाँ पर पहुँचने के बाद क्रैब अफ्रेड, थोड़ा घबराया. इट आस्क, उसने पूछा, वाई आर यू सिटिंग हेयर, तुम यहाँ क्यों बैठे हो. वाई डू यू नॉट टेकन टू द पॉन्ड, तुम मुझे पॉन्ड के पास क्यों नहीं लेके गए. वेयर इज़ इट द पॉन्ड, उसने पूछा, पॉन्ड कहाँ पर है. वॉट डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो. टू डू विद मी, मेरे साथ. द क्रेन लाफ्ड एंड सैड, जो क्रेन था वो हंसा और उसने कहा, यू नो आई हैव ईटन ऑल द फिश वन बाय वन, तुम्हें पता है मैंने सारी फिश एक एक करके खा. नाउ इट योर टर्न, अब तुम्हारा समय है. आई एम गोइंग टू ईट योर, अब मैं तुम्हें खाऊंगा. द क्रैब सेड, क्रैब ने कहा, यू कैन नॉट ईट मी, तुम मुझे नहीं खा सकते. आई विल किल यू फर्स्ट, मैं तुम्हें मार दूंगा. देन क्रैब डग इट शार्प क्लोज इन टू अ क्रेन नेक, जो क्रेन थे क्रैब था उसने उसकी गर्दन पर अपने पंजों को मारा. द क्रेन डाइड एट वंस, और वो क्रेन था जो एकदम मर गया. दस द क्लेवर क्रैब टॉट अ लेसन अ विकेट, जो चालाक क्रैब था उसने जो शैतान क्रेन था उसको एक सबक सिखाया. चिल्ड्रन अब ये आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा.